उधर पटना के गांधी मैदान के रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले साड़े चाण तो बाद दशहरा वेखण आई भीड़ अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ 34 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 के करीब व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हुए ने। मरण वालों में ज़्यादातर औरतों और बच्चे ने। घटना समय करीब 5 लाख तो वध लोग हाजिर सन। चश्मदीदा अनुसार भीड़ में किसी ने अफवाह फैला दी कि बिजली की तार डिग गई है, इस कारण लोगों में भगदड़ मच गई। यह भगदड़ गांधी मैदान के बाहर मची सी, लोग घरों परत रहे सन। बिहार के गृह सकत्र आमिद सुबहानी ने 34 मौतों की पुष्टि करते दसिया है कि जख्मियों को बेहतर इलाज देने की कोशिश जारी है। पटना के जोनल IG कुंदन कृष्णन ने दसिया है कि भीड़ ज़्यादा होने कारण भगदड़ रोकना बहुत मुश्किल हो गया सी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज सरकार उपर लापरवाही वरते जाने के दोष लगाए ने। यह भी दसिया जा रहा है कि मैदान में बनाए 4 गेटों में 3 गेट बंद सन। यह भी दसिया जा रहा है कि ज़्यादातर मौतें साह घुटन कारण हुई ने। यह मालूम चला है कि किसी दो अनजान व्यक्ति ने यह खबर फैलाई है कि यहाँ पे बिजली का तार गिर गया है। बिजली का तार नहीं गिरा। नहीं नहीं, आप जस्ट लाइक झूठ बोल रहे हैं। मैं प्रेजेंट में था। खबरें दी दुनिया में जाओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आप मिलेंगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरों नाल जुड़े रहो दिन रात।